कैसे हो गाइस। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन द लास्ट पैरेड के 12th एपिसोड में। सो लास्ट एपिसोड में मैं आ चुका था सेलोडन सिटी और यहाँ मैंने ब्रेंडन की थोड़ी हेल्प की थी टीम मैग्मा और टीम एक्वा के सामने। उसके बाद मैंने टीम रॉकेट के सीक्रेट बेस को एक्सप्लोर किया था लेकिन मुझे वहाँ कोई भी सीक्रेट की नहीं मिली थी। इसी वजह से मैंने उसके बाद एरिका को हरा दिया और मुझे मिल चुका था रेनबो बैज। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। टाइम पास किए बिना सीधा चलो चलते हैं सैफ्रन सिटी में। अरे यार ये बीच में पत्थर कैसे आ गया। अरे यार ओके ओके हो गया, तो चलो अब चलते हैं सैफ्रन सिटी में। सो यहाँ से तो शायद हम नहीं जा पाएंगे, तो चलो चलते हैं अंडरग्राउंड पाथ से। सो गाइस ये ट्रेनर बैटल में स्किप करने वाला था लेकिन इसके पास है मिस्टर राइम मतलब कि एक फेकीमोन। यार मुझे नहीं पता था पोकेमोन द लास्ट फायर रेड में फेकीमोन्स भी है। यार ये काफी अच्छा दिख रहा है लेकिन, और मेरे ख्याल से ये जोकर पर बेस्ड है। जो भी हो लुकारियो यूज करो और स्फीयर। सो मिस्टर राइम हो चुका है फेंट और मैं फिर से आ चुका हूँ सेलोडन सिटी में, क्योंकि मैं टी लेना भूल गया था और टी के बिना मैं सैफ्रन सिटी तो जा नहीं सकता। तो चलो चलते हैं टी लेने के लिए जो कि हमें देगी ये दादी अम्मा। अरे ये नहीं, ये तो क्लफेरी है। ये रही दादी माँ। तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे कोल्ड ड्रिंक्स पर वेस्ट नहीं करने चाहिए, इसका इस्तेमाल करो। ओह तो ये एक एरोमेटिक टी है जो बनाई है इस दादी जी ने, और ये टी सबसे ज्यादा प्यासे इंसान की भी प्यास बुझा सकता है। गजब बेइज्जती है, जलवा है हमारा। अगर प्यास बुझानी हो तो गर्म चाय से अच्छा कुछ भी नहीं है, ये सच में सबसे बेस्ट है। मुझे नहीं पता ये सबसे बेस्ट है या नहीं। फिलहाल मुझे मिल चुका है TM80 रॉक स्लाइड। गुड बाय दादी जी, चाय के लिए शुक्रिया। पिछले पुके किसके बिना ये रहे आपकी स्क्रीन पर जो है अति लेजेंड रेड और पुकी लाइट स्पेड। अगर आपको भी इसी तरह साउट आउट चाहिए तो पुके क्विज का आंसर देना पड़ेगा। पुके क्विज आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलो ऊपर के फ्लोर पर भी देख लेते हैं, वहां से भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। सो जहां तक मुझे पता है यहां तो सारे गेम के क्रिएटर्स बैठते हैं, सो यहां तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो चलो बिना किसी टाइम पास के चलते हैं प्यासी ऑफिसर जेनी के पास, जो प्यास लगने पर भी सिर्फ चाय ही पीती है पानी नहीं। वेट अ मिनट, वहां जाने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे लेजेंडरी हंटिंग के स्पेशल एपिसोड्स बनाने चाहिए या फिर मैं कभी भी लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ सकता हूँ? अभी ही वीडियो पॉज करके मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। चलो अब सीधा चाय देकर चलते हैं सैफ्रन सिटी में। ओह वो चाय, वो सबसे टेस्टी दिख रही है। हाँ क्या मैं ये पी सकती हूँ? की थैंक्स। अगर तुम्हें जाना है सैफ्रन सिटी में, पहले चाय खत्म कर लो फिर बाद में बताओ। तो तुम इस रास्ते से जा सकते हो, मैं इस चाय को दूसरे घर के साथ शेयर कर लूंगी। बहुत ही बढ़िया, शेयरिंग इज केयरिंग। हाय अंकल, क्या आप भी प्यासे हो? हे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पोकेमोन को फोकस एनर्जी सिखाऊं? हाँ जरूर। तो ये अटैक लुकारियो राजू और ईवी सीख सकते हैं लेकिन मैं तो सिखाना चाहूंगा लुकारियो को। लेकिन मुझे कौन सा अटैक फॉरगेट कराना चाहिए? और स्फीयर तो काम का है, डिग अटैक भी काम का है, ब्लेज किक और क्लोज कॉम्बैक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारा सोच विचार करने के बाद फाइनली मैंने तय किया है कि मैं डिग अटैक फॉरगेट कराऊंगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या सोचकर डिग अटैक फॉरगेट करा लिया लेकिन आई गेस मैंने सही किया है। तो क्या तुम वो फोकस एनर्जी मूव यूज कर रहे हो? अरे नहीं किया अभी तक, कैसे करूँ? क्या तुम बैटल करोगे मेरे साथ? मैं आ चुका हूँ सैफ्रन सिटी में, तो चलो सबसे पहले चलते हैं पोकेमोन सेंटर में। तुम किसी भी शहर क्यों ना जाओ, सबसे पहले तो तुम्हें नर्सोय से मिलना ही पड़ेगा। हाय नर्सोय, कैसी हो? पिछली बार आपको आम खट्टे लगे थे इसलिए इस बार मैं आम ही नहीं लाया। वो सब बातें जाने दो, अभी मैं तुम्हारे पोकेमोन को थोड़े ही सेकंड में हील कर लूंगी। इंतजार करने के लिए शुक्रिया, अब तुम्हारे सारे पोकेमोन हेल्दी है। थैंक यू नर्सोय। पोकेमोन ग्रोथ रेट्स डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ओके अब मुझे किसी और से बात नहीं करनी, चलो चलते हैं सर्व कॉर्पोरेशन के ऑफिस में। यहाँ तो टीम रॉकेट के ग्रंट है। मैं हूँ यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, सस्पिशियस किड्स को मैं अलाउ नहीं करता। ओह ऐसी बात है, ठीक है तब तो मुझे जाना चाहिए सबरीना के जिम में। ओह यहाँ भी टीम रॉकेट का ग्रंट है। डोजो जिम के पास कोई भी ग्रंट नहीं है लेकिन मेरा अभी बैटल करने का मूड नहीं है। हे क्या तुम बैटल करोगे? क्या चाहिए तुम्हें?
भागो यहाँ से। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जिम बैटल या फिर सिल्क की ऑफिस में जाना है। ज़ेफ्रॉन टीम रॉकेट का है। वाह क्या जोक मारा है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा जा कर मैं थक चुका हूँ यार। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो वरना मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ेगा। ठीक है मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, बाय। मैं आ चुका हूँ मिसेस साइकिक के घर के पास, लेकिन मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं जा सकता? यहाँ क्या चीज थी? जो भी हो चलो चलते हैं घर में। हाय ट्रेनर, मैं तुम्हारे पोकेमोन को कुछ मूव सिखा सकता हूँ सिर्फ 10,000 में, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? नहीं जरा भी नहीं। तुम्हें जब भी फिर से इंटरेस्ट आ जाए तुम वापस आ सकते हो। रुको एक भी अक्सर मत बोलना, तुम्हें ये चाहिए। इसे कहते हैं सीधी बात नो बकवास। तुम पहले से जानते हो है ना TM29 है साइकिक। हाँ मुझे पहले से पता था, बाय द वे शुक्रिया इस टीम के लिए। आई 5,000 में इस सेलिब्रिटी को बाय करना चाहोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरे पास थोड़े कम पैसे हैं, अब सिर्फ 22,000। थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे पता चला कि ये घर तो मैंने विजिट ही नहीं किया। चलो चलते हैं, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ये शायद से पोकेमोन फैन क्लब है। ओ यहाँ एक पोकी बॉल है। हाय मैं तुम्हारे रोटम का फॉर्म चेंज कर सकता हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? नहीं मेरे पास रोटम नहीं है। ऑसम मुझे मिल चुका है ग्लेली टाइट। जब मेरे पास रोटम आ जाएगा तब मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने अच्छे ट्रेनर हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, मैं लेजेंडरी ट्रेनर्स में से एक हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन अभी भी मैं सारे बेस्ट ट्रेनर्स में से एक हूँ। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, तो क्या तुम एक लेजेंडरी ट्रेनर के सामने तुम्हारा लक देखना चाहोगे? सॉरी दद्दू, आप फिर एक लेजेंडरी ट्रेनर और मैं तो अभी एक नौ सीखिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक दिन कूल ट्रेनर बन गया तो। हाँ तो क्या, कूल ट्रेनर बनने से कुछ नहीं होता दोस्त। पता नहीं मैं यहाँ पोकेमार्ट में क्यों आया, मुझे यहाँ कोई काम नहीं है। चलो चलते हैं, अब वक्त है थोड़ी ट्रेनिंग का फाइटिंग पोकेमोन के साथ। तो तुम हो वो जो हमारे फाइटिंग डे जो को ट्रेसपास करने आए हो? मैंने सुना है कि तुम अच्छे हो, दिखाओ मुझे। हाँ क्यों नहीं दिखाता हूँ अभी। वेट, हितोशी और हिडेकी के दो फर्स्ट पोकेमोन है हिटमोनली और मैचोक। मेरा लक काफी अच्छा है जो मैंने लुकारियो और स्टारप्टर को पहले रखा था। हिटमोनली को हराने के लिए हमें कौन सा अटैक यूज करना चाहिए, ब्लेस किक या फिर क्लोज कॉम्बैट? मेरे ख्याल से क्लोज कॉम्बैट अच्छा रहेगा। स्टारप्टर तुम यूज करो क्लोज कॉम्बैट। ये है हमारे लुकारियो का पावर, एक ही अटैक में हिटमोनली फेंटेड, ईवी लेवल 42। ओह मैचोक बच गया, कोई बात नहीं। सो अगला पोकेमोन है हिटमोनचैन। लुकारियो हमें यूज करना चाहिए ऑरा स्फीयर, जाओ यूज करो ऑरा स्फीयर हिटमोनचैन पर। और स्टारेक्टर हमें तो पहले से एडवांटेज है, जाओ यूज करो ए रिलीज मैचोक पर। मैचोक फेंट हो चुका है, तो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होगा। स्काई अपरकट, वेरी गुड लुकारियो तुमने अवॉइड कर लिया। अगली बारी है मैचम की, जाओ लुकारियो यूज करो क्लोज कॉम्बैट मैचम पर। और स्टार्टर एज ऑलवेज यूज करो ए रिलीज। ओह मैचम थोड़ा ही बच गया, वेल हिटमोन चैन हो चुका है फेंट। और नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है, टॉक्सिल आ चुका है लेवल 50 पर और नेक्स्ट पोकेमोन अभी तक नहीं आया। ओके तो लास्ट पोकेमोन है हिटमोन टॉप। सो गाइस स्टार्टर और लुकारियो की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। या, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, मैं ट्रेनिंग के लिए हर रोज सेट करता हूँ बोल्डर्स को। तुम्हारे शूज बांध निकालो। सच में ये दोनों ट्रेनर जबरदस्त थे। वेल मुझे मिल चुका है आज का आइटम जो कि है 1 गोल्ड बॉटल। क्या ग्रंट, मैं हूँ यहाँ का कराटे मास्टर और मैं यहाँ का लीडर भी हूँ, क्या तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो? एक्सपेक्ट नो मर्जी। वाह मैं इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद तैयार हूँ। सो इनका फर्स्ट पोकेमोन है थ्रो। इस थ्रो को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए लुकारियो, जाओ यूज करो ऑरा स्फीयर। वो सुपर पावर और वो भी लुकारियो पर सुपर इफेक्टिव, लुकारियो हो चुका है फेंट। ओके लेट्स गो स्टार्टर।
तुम्हारे लिए तो ये चुटकियों का खेल है स्टार्टर, जाओ यूज करो ब्रेव वर्ड। एंडियोर की वजह से बच गया, कोई बात नहीं। स्टारेप्टर, इस बार यूज करो ए रिलीज। तो आखिरकार थ्रो हो चुका है फेंट, स्टारेप्टर आ चुका है लेवल 56 पर, और लास्ट पोकेमोन है सॉक। स्टारेप्टर, अब वक्त हो चुका है इस बैटल को खत्म करने का, यूज ब्रेव वर्ड। ओ यार, इसके पास स्टडी एबिलिटी है, क्लोज कॉम्बैट, और स्टारेप्टर फेंट हो चुका है। कोई बात नहीं स्टारेप्टर, तुमने अच्छा किया था। अरे अमन भाई का नया वीडियो आ चुका है, ये बाद में देख लूंगा, अभी गेम बैटल पर फोकस करते हैं। लेट्स गो टॉक्सिल, यूज करो एसिड अटैक। ओह, अटैक करने से पहले ही फेंट हो गया। यार हमारा टॉक्सिल कब स्ट्रांग होगा यार। वाह, मैं हार गया। अब क्योंकि मैं हार चुका हूँ तो मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि तुम हमारे प्रतीक को तुम्हारी ट्रॉफी के तौर पर ना ले जाओ। ट्रॉफी के बदले मैं तुम्हें एक फाइटिंग पोकेमोन दूंगा, तुम कोई भी चूज कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। हाँ मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ, आपके पास सिडमॉनली और हिटमॉनचैन है ना, लेकिन मुझे उन दोनों में से एक भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही है मेरा पावरफुल लुकारियो। तो डोजो में तो मैंने बैटल कर लिया, फिर भी यहाँ से ग्रंट हटे नहीं, लगता है मैंने गलती से कोई टास्क पूरा नहीं किया है। तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ रॉकेट हाइडआउट में, क्योंकि मैंने अभी तक जियोवानी से बैटल नहीं किया है, और सच में बताऊँ तो मुझे लिफ्ट की नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है किसके पास लिफ्ट की है। एलिवेटर काम नहीं कर रहा, लिफ्ट की किसके पास है? ओह तो तुम्हें सच में नहीं पता लिफ्ट की किसके पास है, खुद लिफ्ट की लेके बैठा है और मुझे पूछ रहा है कि किसके पास है लिफ्ट की। वेल इसके पास है गीगालिथ और ड्रैम्पा, इन दोनों को हराना चुटकियों का खेल है। राजू जाओ यूज करो हाइड्रो पंप, और रंगीला तुम यूज करो लीफ ब्लेड। ओह ये इफेक्टिव ही नहीं है, तो रंगीला यूज करो बग बाइट। ये गया हाइड्रो पंप और गीगालिथ फेंटेड। रंगीला ग्रो टू लेवल 63। बग बाइट का अच्छा डैमेज मिला है। ओह ड्रैगन पल्स, मतलब कि ये ड्रैगन टाइप है, मुझे पहले लगा था ये शायद से ग्राउंड टाइप होगा। सो राजू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, जाओ यूज करो हाइड्रो पंप और रंगीला बग बाइट। ओह ये तो हाइड्रो पंप से ही फेंट हो गया। वेल अब पता चलेगा किसके पास लिफ्ट की है। नहीं हाँ ओह नहीं, मैंने लिफ्ट की गिरा दी। सुपर्ब, तुम्हारी एक्टिंग तो इतनी रियलिस्टिक थी कि तुम्हें तो ऑस्कार मिलना चाहिए। बाय द वे लिफ्ट की गिराने के लिए शुक्रिया। तो अब लिफ्ट की भी मेरे पास आ चुकी है, तो अब इसको यूज करके जीवानी तक पहुंचना है मुझे। जब तक मैं पजल सॉल्व कर रहा हूँ एक बात ध्यान से सुनो, क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरे गेम प्ले वीडियो लेट आ रहे हैं? रीजन नंबर वन, मेरे पास कोई भी माइक नहीं है, उसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत होती है, और रीजंस भी है जिसे मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि आप बोर हो जाओगे। फिलहाल चलो चलते हैं B4 फ्लोर पर। ये वाला फ्लोर रॉकेट हाइडआउट का सबसे लास्ट फ्लोर है जहाँ जियोवानी बैठता है। वेल यहाँ पोकेबॉल है तो चलो देखते हैं। सो मुझे मिल चुका है TM77 फ्लेम चार्ज, और इस वाले पोकेबॉल में से मुझे मिल चुका है कैल्शियम। वेल तो चलो अब चलते हैं जियोवानी से बैटल करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे इन दोनों से बैटल करना पड़ेगा। तुम कैसे नहीं देख पा रहे हमारे दुश्मनों की सुंदरता को? ये मेरी बात कर रहा था या फिर अपने आप की, मुझे नहीं पता। वेल इसका फर्स्ट पोकेमोन है माइटियाना। जाओ राजू यूज करो स्नाइप शॉट। वन शॉट फेंटेड, ये तो होना ही था। ईवी लेवल 45 और वो सीखना चाहता है ट्रम्प कार्ड। ये कौन सा नया अटैक है, मैंने तो पहली बार नाम सुना है। ओह ये तो बकवास अटैक है, मैं नहीं सिखाऊंगा। वेल अगला पोकेमोन है हिटमॉनटॉप। इस बच का लास्ट पोकेमोन है एग्रॉन, जाओ राजू यूज करो स्नाइप शॉट। बच को हराना काफी इजी रहा, अब देखते हैं कैसिडी में कितना दम है। आया ओह नई स्टाइल, इम्प्रेसिव। चलो कैसिडी अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो जिसने हमारे प्लान को बिगाड़ दिया था माउंट मून पर। ऑफ कोर्स मैं वही हूँ, और इस बार भी मैं तुम्हारे प्लान्स को बिगाड़ने आया हूँ। सो कैसिडी का लास्ट पोकेमोन है मेगा हामडूम। कैसिडी को हराना भी इजी था, वैसे भी मेरे पोकेमोन थोड़े ओवर पावर्ड थे।
अम्मा एक और बार जल गई। राजू देखो बिचारी जल गई, जाओ फिर से यूज करो हाइड्रो पंप और उसे मदद करो। आखिरकार वो वक्त आ ही गया, अब मैं इस ब्राउन टोपी वाले को सबक सिखाऊंगा। जियोवानी चच्चू, डिसुम डिसुम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बेटे, तो मुझे एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ कि तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो। अरे मेरी आवाज को क्या हो गया? अब ठीक है, टीम रॉकेट दुनिया के सारे पोकेमोन को पकड़ रही है। वो सारे हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स है जिससे हमारी ये क्रिमिनल एंटरप्राइज चल सके। मैं हूँ द लीडर जियोवानी। फॉर योर इंसोलेंस, तुम्हें दुनिया का सारा पेन एक ही बार में फील होगा। चल चूटा। ओ हो, सच में मैं तो डर ही गया। वेल, इसके पास है हिप्पोडॉन और फ्लाइगोन, सो इस बार मैंने कोई भी ओवर पावर्ड पोकेमोन नहीं रखे हैं। इस बार मैंने चूज किया है लुकारियो और स्टारेप्टर को। लुकारियो यूज करो क्लोज कॉम्बैट, हिप्पोडॉन पर भी इफेक्टिव है और फ्लाइगोन पर भी, लेकिन तुम यूज करो हिप्पोडॉन पर। और स्टारेप्टर तुम यूज करो ब्रेव बर्ड, फ्लाइगोन पर। ओह, पहली बार में मैं गई वॉल, देखते हैं। क्लोज कॉम्बैट से कुछ खास डैमेज नहीं मिला, ड्रैगन पल्स, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फ्लाइगोन, एक बात याद रखना, कभी भी बहादुर पक्षी को अंडर एस्टिमेट मत करना। अरे 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 भाई साहब, इसने इसके लिए अर्थ पावर और लुकारियो की हेल्थ भी बहुत कम हो चुकी है। लुकारियो आखिरी बार यूज करो ऑरा स्फीयर। और स्टार्टर तुम यूज करो इरिलिस, फ्लाइगोन पर। नहीं, उससे अच्छा ब्रेव बर्ड ही कर लो, वैसे भी तुम फेंट ही हो गए। ओह शूट, हिप्पोडॉन थोड़ी के लिए बच गया और लुकारियो फेंट हो चुका है, लेकिन स्टारप्टर भी फेंट हो चुका है और फ्लाइगोन भी। तो अब बारी है मेरी परफेक्ट जोड़ी की, लेट्स गो राजू और रंगीला। तुम दोनों ये आसानी से कर सकते हो, प्लीज भरोसा मत तोड़ना यार। देवी और सुद्रो, अब दो जाबाज आ चुके हैं ग्राउंड में, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ रंगीला, यूज करो लीफ ब्लेड। राजू तुम यूज करो स्नाइप शॉट। यस, हिप्पोडॉन फेंटेड। ईवी ग्रेटर लेवल 47, सुपर्ब। क्या क्रंच, तुमने अपना जीतने का मौका गवा दिया। अगला पोकेमोन है सेस्मिटोड, रंगीला फिर से यूज करो लीफ ब्लेड और राजू स्नाइप शॉट कंगस्कान पर। बहुत ही बढ़िया, राजू लेवल 68। ये चली लीफ की ब्लेड और सेस्मिटोड भी फेंटेड। रंगीला लेवल 64, देखते हैं लास्ट पोकेमोन कौन सा होगा। तो लास्ट पोकेमोन है एक्सकाड्रिल, रंगीला यूज करो लीफ ब्लेड, राजू तुम यूज करो लिक्विडेशन। यस, वन शॉट फेंटेड, तो मैंने जीवानी को हरा दिया है। क्या ये नहीं हो सकता? क्या मेरी आवाज फिर से चेंज हो गई थी? मैं देख सकता हूँ कि तुमने तुम्हारे पोकेमोन को कितनी केयर से पाला है, लेकिन तुम जैसे बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। इस बार सिर्फ इस वक्त के लिए मुझे पीछे हटना पड़ेगा। आई होप कि हम फिर से मिलेंगे। हाँ जरूर, मिलना तो पड़ेगा ही, विरिडियन जिम के तुम लीडर जो हो। वेल गाइस, हमें मिल चुका है सिल्प स्कोप, तो यहाँ आने का मेन उद्देश्य हमारा खत्म हो चुका है, तो चलो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या तुम खो चुके हो छोटे चूहे? ओके, तो सेलोरन सिटी में मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है, तो अब चलो चलते हैं HM02 फ्लाई लेने के लिए, जो हमें आगे मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो स्नोलेक्स है, तो इस ट्री को कट करना पड़ेगा। ओके चलो चलते हैं। ओह ये क्या हुआ, शायद से एक पोकेमोन एनकाउंटर। ओह ये तो सुडो बूडो है। गाइस मुझे सुडो बूडो का वॉइस बहुत पसंद है, मुझे बोलना तो नहीं आता लेकिन काफी अच्छा लगता है सुनने में। एक पोकेबॉल और मुझे मिल चुका है ब्लैक बेल्ट, लुकारियों को ये काम आएगा। ओके सो चलो अब चलते हैं। बताओ गाइस, क्या आप लोगों में से किसी ने मांगा पड़ी है? तभी पता चल सकता है मेरे सवाल का जवाब। सवाल बाद में बताता हूँ, पहले इस पोकेबॉल में क्या है देख लेते हैं। पिजियोटाइट। ओके। ओह डियर, तुमने मेरी सीक्रेट जगह ढूंढ ली, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। मैं ये निर्णय तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो।
थैंक यू सो मच। मुझे पता है ये कन्वीनियंट मूव है, और चिंता मत करो, मैं इस मूव का अच्छा ही इस्तेमाल करूंगा। ये कितनी अच्छी लड़की है, मैंने इसके सीक्रेट ठिकाने को ढूंढ लिया फिर भी ये मुझ पर गुस्सा नहीं हुई, और तो और मुझे दे दिया HM02 फ्लाई। वेल, इस डायनामिक्स डैन में है एक टैंगेला। सो गाइस, इतनी सारी बातों के बाद मैं जो सवाल पूछना चाहता था वो ये है, वो लड़की ऐसी सीक्रेट जगह पर क्यों रहती थी, और उसने मेरे पर इतना जल्दी यकीन कैसे कर लिया, मतलब कि रेड पर इतना जल्दी यकीन कैसे कर लिया। अगर इसके बारे में मांगा में कुछ भी आया हो, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। फिलहाल मैं आ चुका हूँ लेवेंडर टाउन फूजी दद्दू की हेल्प करने के लिए, तो चलो चलते हैं बिना किसी टाइम पास की। सो गाइस, मैंने थोड़ा स्किप कर लिया है, और यहाँ के डायनामिक्स टेन में है एक डस्क नॉइड। गोस्ट टाइप में ये अच्छी चॉइस हो सकता है, लेकिन मैं तो यूज करना चाहूंगा हमारा वन एंड ओनली मिमिक्यू। सो इसको पकड़ने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा टॉक्सिल को। लेट्स गो टॉक्सिल, तुम कुछ ना कुछ काम तो आ ही गए। ओ चलो एक और बार ट्राई करते हैं। यस, मैंने पकड़ लिया है मिमिक्यू को। मिमिक्यू एक डिसगाइज पोकेमोन, ये अपने भयानक अपीयरेंस को छुपा देता है एक ओल्ड रैक से, ताकि वो लोगों और पोकेमोन के साथ नजदीक रह सके। और एक आखिरी बात, ये एक अर्बन पोकेमोन है। ओके, तो चलो अब चलते हैं क्यूवॉन की मदर के पास। इस बार सिर्फ स्कोप की वजह से इस गोस्ट की आइडेंटिटी पता चल गई। लेट्स गो लुकारियो, हमें इस मैरोवे को हराना पड़ेगा। जाओ यूज करो ऑरा स्पीयर। सो मैरोवे फेंट हो चुकी है। ये वही क्यूवॉन की मदर का गोस्ट था जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, लेकिन अब मदर की आत्मा को शांति मिल गई। इट डिपार्टेड टू द आफ्टर लाइफ, इसका मीनिंग आप खुद ढूंढ लेना, क्योंकि मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए। वेल, चलो अब वक्त है फूजी दद्दू की हेल्प करने का। सारी ग्रिंस को तो मैंने हरा दिया है, अब ये आखिरी बचा है। तुम किसी को नहीं बता रहे बच्चे। ऐसी बात है ग्रंट, मुझे तो पता ही नहीं था। लगता है मुझ पर जीव हानि का असर हो रहा है। वेल लुकारियो, जाओ यूज करो ब्लेज किक। सुपर्ब, ये नेस्टी प्लॉट यूज कर रहा है बेवकूफ। लुकारियो इस बार यूज करो क्लोज कॉम्बैट। यस, टॉक्सिक रॉक फेंटेड। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होगा। ईवी लेवल 49 और नेक्स्ट पोकेमोन है रेडिकेट। ओहो, ये तो अलोलन है। जाओ लुकारियो यूज करो क्लोज कॉम्बैट। वन शॉट फेंटेड, मजा ही आ गया। तो अगला पोकेमोन है मैरोवेक। ओके लेट्स गो, हम इसे भी हरा सकते हैं। लुकारियो यूज करो ऑरा स्फीयर। ओह ये बच गया। और स्टॉर्म टेंट्रम, ये कौन सा अटैक था यार, मैंने पहली बार देखा। जनरेशन 1 में मैंने पहली बार ये अटैक देखा। वेल चलो स्ट्राइप्टर, तुम्हारा आसान काम कर दो, जाओ यूज करो ए रिलीज। मैरोवेक फेंटेड। और लास्ट पोकेमोन है क्रोबैट। चलो आज देख ही लेते हैं कौन सा फ्लाइंग टाइप सुपर्ब है। ओह सबसे पहले एयरस्लेस, लेकिन अवॉइड कर दिया था स्ट्राइप्टर ने। एक और ई रिलीज, एयरस्लेस, और स्ट्राइप्टर फ्लिंच हो गया। यार लगता है इसके पास ब्रॉक वाला क्रोबेट आ गया। जस्ट जोकिंग, लेकिन सच में बताओ तो स्ट्राइप्टर फ्लिंच ना होता तो आसानी से हरा सकता था। मेरे फिनिशर राजू, यूज करो लिक्विडेशन। यस क्रोबेट फिंटेड, और मैंने ये बैटल जीत लिया। हम रॉकेट्स के सामने फाइट मत करो, इस तरीके से तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। जाने दो इसे फूजी दद्दू, आप बताओ। बिल्कुल दर, तुम मुझे बचाने आए हो, शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ मेरी मर्जी से आया था। ओह ऐसी बात है, तब तो ठीक है। मैं यहाँ क्यूबॉन की मदर की स्पिरिट को शांति देने आया था। मुझे लगता है कि आखिरकार मेरो की स्पिरिट ने हमें अलविदा कह दिया। हाँ मैंने उसको हराया और उसके बाद उसको शांति मिल गई। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना ही पड़ेगा तुम्हारे काइंड कंसर्न के लिए। मेरे पीछे चलो मेरे घर पर, पोकेमोन हाउस इस टावर के नीचे। ओके फूजी अंकल, मैं आ चुका हूँ, बोलिए क्या कहना चाहते थे। भीम, तुम्हारा पोकेडेक्स क्वेस्ट एक ऐसी चीज है जिसको स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन चाहिए। पोकेमोन के प्रति गहरे प्यार के बिना तुम्हारा क्वेस्ट शायद से फेल हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये तुम्हें हेल्प करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये रखो। पोके फ्लूट के लिए शुक्रिया फूजी दद्दू। अरे हाँ फूजी दद्दू, मुझे पता है कि पोके फ्लूट की वजह से स्लीपिंग पोकेमोन उठ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक गए नहीं
तो ये सीक्रेट सुन के जाओ। ये एपिसोड मैंने कल डब किया था, मतलब कि मैं अपने बर्थडे के दिन वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मैं चाहता तो था कि मैं एपिसोड कल के कल ही रख दूँ, लेकिन एपिसोड की एडिटिंग बाकी थी इसलिए ऐसा हुआ। जाते जाते डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कुछ रीजंस बता सकूँ जिस वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में और दिक्कत हो रही है। आज का गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ये GBA हैक वाला वीडियो देख लेना, काफ़ी अच्छी GBA हैक है, आप पसंद करेंगे। एक लास्ट वाला सीक्रेट, इस महीने में नई गेम की सीरीज शुरू होने वाली है। Yeah.